तो व्हाट्सअप गेमर्स, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है रेंज और आप देख रहे हैं आरवीएस गेमिंग 3624। तो गाइस, अब मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी सर्वाइवल सीरीज के पार्ट टू के साथ। और गाइस, शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं हुई है क्योंकि मेरे दरवाजे पर काफ़ी सारे जॉम्बीज और जॉम्बी तो नहीं, स्केलेटन और स्पाइडर खड़े हुए हैं। तो मैं जाके सोने की कोशिश करता हूँ। वेट सेकेंड, मॉन्स्टर्स के शायद रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो चलो, सबसे पहले गाइस इनका कल्याण करना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने कल्याण तो कर दिया इनका और सो के दिन भी कर लिया, पर एक सेकेंड, और हाँ ये तो मर गया गाइस। और वहाँ से एक और ज़ॉम्बी भाई आ रहे हैं, तो उनसे तो थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। और चलो अपना हंगर बढ़ा लेते क्योंकि एक एक हार्ट पे हुए हैं। और चलो गाइस, सबसे पहले चलते हैं अपने काम पे क्योंकि, और रुकिए गाइस, पहले तो देख लेते हैं। यहाँ एक गड्ढा हो चुका है यहाँ पे बहुत सा बड़ा, और वहाँ पे एक शीप पड़ी हुई है। पहले इस पेड़ को काटते हैं क्योंकि गाइस अभी हम पूरे जितने भी पेड़ मिल सकते हैं हमें काटने होंगे, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला। मैं इन जॉम्बीज और क्रीपर्स से काफ़ी परेशान होता हूँ, तो मैं अपने घर की चारों तरफ एक फेंसिंग कर देने वाला हूँ जिसकी वजह से वो अंदर ना आ पाए और मैं थोड़ा सेफ रहूँ। हाँ पता है मुझे वो ऊपर से भी आ सकते हैं, पर कोई टेंशन नहीं। तो चलो गाइस, पहले ऊपर भी दो पेड़ हैं, एक को तो मैं सर्वाइविंग के फर्स्ट एपिसोड में काट चुका था, तो ये दूसरा बचा हुआ था। चलो इसे काट लेते गाइस, और कट जा बेटा, कट जा कट जा। और गाइस ये पेड़ भी कट गया है थोड़ी देर में, और इस पेड़ को भी छिलमुंडा करने के बाद हम, छिलमुंडा तो नीचे से नहीं ऊपर से होता है यार, मुझे 14 सैप वुड प्लैंक्स मिले हैं दो पेड़ों को काट के। तो चलिए गाइस, वहाँ पे जिस तरफ से एक विलेज पड़ता है, जिस जहाँ पे मुझे 5 डायमंड मिले थे, उस रिवर के पास वाले विलेज जंगल के पास चलते हैं। यहाँ मुझे एक सैम्पलिंग मिल गई, तो चलो करते हैं टीपी। यस, देखा जादू। तो चलो, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो सबसे पहले एक पेड़ को काटते हैं। तो वहाँ मेरे सामने पेड़ है, पहले अपना हंगर बढ़ाते हैं। और चलो, सबसे पहले यहाँ पेड़ है और इसे काटते हैं सिंपली, क्योंकि पेड़ काटने में काफ़ी टाइम लगता है। तो गाइस, तुमसे एक बात कहनी थी कि मेरा चैनल काफ़ी डाउनफॉल में चल रहा है क्योंकि तुमने पिछली वाली वीडियो पर भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया था। तो चलो साइड में रखते हैं ये रोना धोना और अपने गोल पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे पेड़ बचा हुआ है, तो इसे भी टियर कर लेते हैं, और ये भी कट गया। और वाह देखो गाइस, एक रिवर, इसमें एक ज़ॉम्बी का बड़ा मामा यहाँ के घर है। और देख लो यार, इन सब पेड़ को काटने के लिए मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी, तो तुम मत पूछना यार क्या हुआ था। तो चलो इन सबको पहले कट कर लेते हैं, और वीडियो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गई थी। तो गाइस, मैंने ऑलमोस्ट सारे पेड़ काट दिए हैं और ये एक बचा हुआ है, तो चलो इसे भी काट लेते हैं। नहीं वेट वेट, यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता है, मक्खी भाई से बिल्कुल पंगा नहीं लेने का। जब से मैंने मूवी देखी ऐसे से राजा मौली की, तब से तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी मक्खी के हाथों नहीं मरना यार। और यहाँ पे एक एप्पल है, उसे भी कलेक्ट कर लेते हैं गाइस। और ये टीपी, और वापस इसे टीपी नहीं करता मैं, बस वीडियो रिकॉर्ड कर क्लिप पोस्ट कर देता हूँ और उसके बाद तुरंत अपनी जगह पर वापस आ जाता हूँ। और यहाँ पे जो मेरे पास 4 ब्लॉक्स ट्री के सैपलिंग से, तो इन्हें जाके ऊपर प्लेस कर देते हैं, क्योंकि जितना पेड़ लगाएंगे उतने हमें फ़ायदे होंगे गाइस। गाइस ये चीज़ लोग रियल लाइफ में भी करते हैं, जितने पेड़ हम माइनक्राफ्ट में लगाए शायद रियल लाइफ में लगा देते, तो अभी तक ये ग्लोबल वार्मिंग की संभावना ही नहीं होती। जोक सपाट अलग। चलो और अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो करीब करीब मेरे पास कितने वो क्लॉक्स हुए हैं, अब मैं क्राफ्टिंग टेबल के पास चलता हूँ और पता करता हूँ। वेट अ सेकंड, ये फर्नेस कैसे खुल गया है? और मेरे पास है 63 लॉक्स, तो इनके सारे टीपी करके सीधे निकाल लेते हैं। और चलो यार, मेरे पास हो चुके हैं 64, करीब 4 स्टैक लॉक्स हो चुके हैं। तो चलो और सीधा इनसे स्टिक्स बनाते हैं क्योंकि मुझे फेंसेस बनाने हैं, और फेंसेस के बाद इनसे इनको पूरी जगह पे कवर कर देना है जिसकी वजह से जॉम्बीज और बाकी चीज़ें अंदर नहीं आ पाएंगी। तो कितने फेंसेस बने मेरे पास? तो मेरे पास काफ़ी कम फेंसेस ही बन रहे हैं, 64 फेंसेस, एक स्टैक और 11 फेंसेस बने हुए हैं अभी तक। बस मेरे पास ज़्यादा अभी ब्लॉक्स हैं, तो शायद ये जल्दी ख़त्म होंगे, तो उनसे भी ज़्यादा कवर कोई टेंशन नहीं है, मैं दोबारा बना लूँगा यार, ब्लॉक्स की कमी नहीं है मेरे पास। तो पहले इन जगहों को कवर कर देते हैं गाइस, नहीं तो ये काम में अड़चन करेंगे। और गाइस, तुमने क्या नोटिस किया है कि जब भी क्रीपर के धमाके होते हैं, अगर तुम नोटिस करो तो उनके छेद में एक ना एक जगह ऐसी रहेगी जिसमें से तुम निकल पाओगे। यह काफ़ी आसान है, मतलब माइनक्राफ्ट इतना भी रियलिस्टिक नहीं है। तो गाइस, मैंने उनके छेद को भर दिया है और रात होने वाली, तो चलो सनसेट इन्जॉय करते हैं। और चलो गाइस,
ऊपर चढ़ जा भाई, चढ़ जा। गाइस मैं यहाँ सनसेट इन्जॉय करने के लिए एक सीढ़ी भी बनाने वाला हूँ कुछ देर में, दिन में, क्योंकि मैं अभी तो अपने घर पे ही फोकस कर सकता हूँ सिर्फ, और फिर मैं सनसेट इन्जॉय करने लगा। और सनसेट इन्जॉय करते करते पता ही नहीं चला कि रात हो गई, तो मैं तुरंत अपने बेस की तरफ भागा। और तुमने नोटिस किया गाइस कि मेरे घर के बगल में था एक केव, पर केव वाली वीडियो को, केव वाली रिकॉर्डिंग को मैंने थोड़ा क्रॉप कर दिया क्योंकि उसमें बस मुझे तीन ही आयरन मिले थे और घर के आगे इतने ज़ॉम्बीज थे कि मुझे बेड अपने ऊपर लेटने ही नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कि ऊपर की तरफ से एक माइनिंग करके एक एरिया बनाऊंगा और नीचे जाके इन्हें धप्पा दे दूंगा, क्योंकि गेट पे क्रीपर भी खड़ा था, अगर वो फूटता तो मेरा सारा सामान ही चला जाता। वैसे मैंने एक क्या बोलते हैं कीप इन्वेंटरी नाम की एक सेटिंग को ऑन रखा है। वैसे वो तो सारे माइनक्राफ्ट के नूब प्लेयर को पता होगा, पर मैं नूब नहीं हूँ, प्रो हूँ, तो प्रो यूज़ करते हैं उसे। मैं उसे कुछ दिनों में बंद कर दूँगा जब मैं अर्ली प्रो हो जाऊँगा, पर अभी तो उसे चालू ही रखना पड़ेगा। तो मैंने उसे चालू किया तो जिसकी वजह से मेरा मरा गिरा हुआ और सामने जॉम्बी भाई ने दर्शन दी थी, तो मैंने तुरंत ही ब्लॉक्स लगा दिए। पर जॉम्बी भाई के साथ उनके भाई भी आ गए, तो मैंने अपने डायमंड के साथ से उनकी उनकी औकात दिखा दी। और ये सब करने के बाद दिमाग का इतना दही हुआ कि मैंने सोच लिया कि अब इन्हें ज़रूर ठोकूंगा, तो मैंने एरिया बंद कर दिया, तो उसे सुबह खोलेंगे। और अभी तो कोई ज़ॉम्बी या जानवर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सोने की ट्राई की, फिर भी मुझे नहीं सोने दे रहा था ये। तो मैंने देखा कि एक ज़ॉम्बी फिर से बकचोदी कर रहा है, तो मैंने फिर से उसे लास्ट बार यार उसकी औकात दिखा दी। तो उसके बाद गेट बंद किया और फिर सोने चला गया। गुड रात जगा, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और एक क्रीपर भाई आ गए और सुबह सुबह ही मेरा मरण दिवस कर दिया। अभी तो साला एक गड्ढा दो भरे थे और एक क्रीपर ने एक और गड्ढा कर दिया और एक और क्रीपर मेरे बगल में था। इससे पहले कि वो फट के मेरे घर ही उड़ा देता, मैं बहुत दूर भागा। और बिग दिमाग क्रीपर्स को मारने के लिए एक चीज़ तो करनी पड़ेगी अभी, और मैं आगे चल के क्रीपर फार्म भी बनाऊंगा, तो उसके लिए वीडियो देखना। और ऐसे फटने से पहले मारने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, मुझे इसके नज़दीक से आके वापस आना पड़ता था, तो जिसकी वजह से मैंने इसे बार बार हिट किया और डायमंड की शॉर्ट होने की वजह से ये कुछ ही देर में मर गया। पता नहीं मोजंग ने इसे क्यों धूप में चलने की पावर्स नहीं दी हैं, तो इसका भी निपटाना हम धूप से ही करते हैं। तो इस जगह को भी मैंने भर दिया, तुमने देखा नहीं होगा पर मैं भर देता हूँ। और मैं अब फेंसेस का काम दोबारा चालू करने जा रहा था, तो कैसे काम करते हैं फेंसेस का काम यहाँ से लेके यहाँ तक करते। देखो तो यहाँ से, और देखो गाइस यहाँ पे तक आ गए हम, और अब पीपी कंप्लीट हो चुका है गाइस मेरा फेंसेस का काम। वो मैंने वीडियो थोड़ी पोस्ट की थी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, और यहाँ फेंस का काम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है मेरा। और मेरी इन्वेंटरी में तुम सोच रहे हो कि अभी 40 फेंस बचे कैसे, मैंने क्रिएटिव मोड का यूज़ नहीं किया पगलो, बस फेंसेस दोबारा क्राफ्ट करने पड़े, देख सकते तुम। और ये स्केलेटन भाई ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कुछ देर में मार मार के, पर मैंने फिर उनकी औकात दिखा दी, जिससे मुझे उनके टूटे हुए बुक का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया। और फिर मैं भागा भागा सोने चला गया। और सो के उठने के बाद गुड मॉर्निंग गाइस, अब आज सुबह दोबारा मरने का मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, इसलिए मैंने फेंसिंग कर दी थी, रात भर में नहीं जागा था। और उसके बाद अब मेरा नेक्स्ट गोल है गाइस यहाँ पे एक फार्म बनाना, ताकि मैं भूख से तड़प तड़प के ना मरूँ। वैसे तड़प तड़प के तो अभी भी नहीं मरूँगा, पर क्या करूँ यार, हमेशा नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खा सकते और इस सूखे पाव से कितनी हेल्प मिलेगी मुझे। तो गाइस अभी हम अपने पास तीन आयरन इंगोट हैं, तो और आयरन इंगोट्स को स्मेल्टिंग के लिए मैंने 5 उसमें लॉक्स डाल दी, क्योंकि अभी कोई भी कोल का धंधा में नहीं है मेरे पास। और यहाँ अपने पास चेस्ट की कमी पड़ रही थी, तो मैंने 4 चेस्ट और बना ली और रिप्लेस कर दिया। और सामान इसमें लोडिंग में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने वीडियो फिर से टीपी, तो टीपी करने की वजह से तुम्हें पक्का लग रहा होगा कि मैं कितना ही क्रिएटिव मोड यूज़ करता हूँ, पर मैं सच सच मामी कसम खा के बता रहा हूँ गाइस, मैंने बिल्कुल भी क्रिएटिव मोड यूज़ नहीं किया। और इतनी देर में मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो गया, तो मैंने इससे एक बकेट बना ली, क्योंकि इन्फानाइट वाटर सोर्स बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बार बार एक ही जगह पे भाग भाग के मैं पानी नहीं कलेक्ट करने वाला था, मैं पिछली गलती नहीं दोहरा था। और करने के बाद मैंने यहाँ 4 ब्लॉक का गड्ढा कर दिया गाइस, तो चलो अब अपना आयरनिंग गोट लेने। वेट सेकेंड, फक गाइस,
एक काम करते हैं गाइस, ऐसा ही अपने लेटर्स पे भी करते थे, थोड़ा सुंदर तो लगेगा। और ये देखो हो गया। तो चलो अपनी निंजा टेक्निक करके बाहर निकलते हैं। न्याऊ, निंजा टेक्निक से बाहर निकलने की टेक्निक अगर सीखनी है तो आ जाना मेरे पास, मैं सिखा दूँगा हवेली पे। ही ही, तो मैं जाता हूँ अभी रिवर के पास और कुछ ही देर में अपने पानी बल्टी भर के ले आता हूँ। तो फिर से टीपी पर, ये क्या हुआ? अच्छा, अब मेरा पानी लेने का मूड बदल गया गाइस। अब मैं आयरन लेना है क्योंकि मुझे अपना पूरा आयरन का सेट कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से अगर मैंने सेट कंप्लीट नहीं किया तो ऐसे ही बढ़ता रहूँगा और कितना ही मरूँगा। नूप नहीं बनना है मुझे। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया और शायद ही मैं इस कीप से ज़िंदा बच के बाहर जाने वाला। और मेरा एक कॉबलस्टोन का ब्लॉक भी चला गया, शायद इसी के नीचे मुझे आयरन दिखा था। और हाँ, सच में आयरन दिखा तो था मुझे। यहाँ शायद चार ब्लॉक्स हैं, नहीं नहीं पांच ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे माइंड कर लेते गाइस। और यहाँ पे पांच ब्लॉक होने के बाद शायद नीचे भी कुछ ब्लॉक्स होंगे। हाँ, मैंने देखा था नीचे ब्लॉक्स थे। और रुको गाइस, और वो दिखाई दे रहे तो मैं भी दिखाई देंगे। और एक काम करते गाइस, अब यहाँ से खोदना चालू करते हैं। और यहाँ दो ब्लॉक लेने के बाद ही मैं ज़मीन पर गिर गया। और निकलने की तैयारी के चक्कर में मैं पूरे ज़ॉम्बी के खानदान से लड़ गया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब यमराज सामने ही है। और यमराज ने मुझे बैठा के भगा भी दिया। ज़ॉम्बीज़ के हाथ में मरना काफ़ी अजीब लगता है गाइस। पर मुझे सात आयरन गट मिल गए तो मैंने इन्हें भी पकने के लिए डालना चाहा, पर गलती से टीपी हो गया तो इन्हें भी पकने के लिए डाल दिया। और पकते पकते जब तक जी पक रहे हैं तब तक मैं भी अपना काम कंप्लीट करता हूँ और अपने फार्म के लिए चीज़ें करना चालू करता हूँ। तो मुझे अब पानी चाहिए क्योंकि मैं पानी के चक्कर में एक गलती कर बैठा था कि मैं आयरन लेने चला गया था। और मैं पानी लेके आ भी गया और मैंने अपना इन्फिनाइट सोर्स बना भी दिया, उसी में से पानी लिया मैंने गाइस। हाँ, तो अब अपने गड्ढे को चालू करते खोदना। और ये एक तीन चार पाँच छः सात, सात ब्लॉक्स की डिगिंग कर दी गाइस मैंने। और ये फेंसेस के नज़दीक होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा ब्लॉक्स पानी डाला तो वीडियो हैंग होती हुई दिखाई देगी, पर मैंने वीडियो फास्ट की थी जिसकी वजह से काफ़ी। तो यहाँ पे मेरा वाटर सोर्स अभी कम्प्लीट हो गया है, हो गया पर एक सेकेंड। और ये देखो, पर एक सेकेंड, मेरे पास तो शो है ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जो आयरन है उससे बना लेता हूँ। तो चलो यार, वेट सेकंड, मैंने अभी भी सामान खाली किया था तो मैं निकल गया। और पहले वुड ले लेते गाइस। तो वुड ले लिया, ले लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे वुड है। हाँ गाइस, यहाँ पे वुड है कि नहीं है यार, एक ही स्टेक है गाइस। और यहाँ पे प्लैंक्स है तो प्लैंक्स भी उठा लेते, क्राफ्ट कर लेंगे। ये रहे क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ पे रहे स्टिक्स, क्राफ्ट क्राफ्ट। और यहाँ पे मैंने ये कर लिया एक क्राफ्ट, ये हो गया कंप्लीट गाइस। चलो अपना काम करते हैं। म्याऊ, और यहाँ से चालू करते हैं अपना। मैं इस साइड से दो ब्लॉक का और उस साइड से एक ब्लॉक का करूँगा क्योंकि यहाँ फेंसेस लगे हुए हैं। तो देखो गाइस, एक ज़मीन तो हो भी गई है। और यहाँ से बस रुको गाइस, एक सेकंड रुको, यहाँ से अभी एक और ब्लॉक करना है। ओ गाइस, ये क्या हो गया, ये क्या, कंप्लीट। और तो गाइस, अब यहाँ सीट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो अभी सीड नहीं है, तो एक काम करते हैं, अब सीड लेने चलते हैं तो इस लॉक को। वैसे हम यहाँ दरवाज़ा फिट कर देंगे तो कोई टेंशन मत लो, पर अभी तो इससे से काम चलाना पड़ेगा तुम्हें। और यहाँ पे काफ़ी सारी घासें हैं। और गाइस, पूरे दिन मेहनत करने के बाद मुझे मिले चार सीड, रात भी हो गई। चलो इन्हें रख देते हैं। वेट अ सेकेंड, मेरे पास 19 सीड पहले से थी, मैंने मेहनत फालतू में की थी, मतलब यार फाक। चलो जाके इन्हें प्लांट कर देते, पर एक सेकंड, वहाँ स्पाइडर है, सो जाते हैं गाइस, तब जाके कंप्लीट हो जाएंगे। सुबह उठेंगे, वेट सेकंड वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। सो
अबे यार ये मॉन्स्टर वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे तेरी बहन की। मजे मजे। और ये कंप्लीट हो गया गाइस, ये भी मर गया। तो यहाँ पे अब सो जाते हैं हम लोग, सिविक थॉर्न्स डेथ नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और अब चलते हैं अपने मिशन की तरफ जो है सीड लगाना। तो हमें वेट वेट वेट, यहाँ तो क्रीपर है और अगर ये फटा तो मेरा पूरा खेत लेके जाएगा। तो बस आराम आराम से करते हैं, इससे क्रीपर फटे भी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। गाइस मैं देख रहा हूँ यार तुम वीडियोस को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, कुछ तो करो यार, मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी घटे हुए हैं। ठीक है यार इन सब का वेट वेट वेट, वो अभी फट जाता, वो अभी फट जाता। अरे यार मेरे तो सीड्स ही कम पड़ गए। चलो गाइस कोई बात नहीं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली सीरीज़ में। बाय बाय।